सूरज माँ बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना दो ना प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुन, कहाँ था तू इतनी देर? गौतम बुद्ध सो गए क्या? बड़ी मुश्किल से सोए हैं, सुबह से उखड़े हुए थे, 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। कहाँ था तू इतनी देर? नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है माँ, तू तो जानती है ना। सब जानती हूँ, जहाँ जहाँ भटकना चाहिए वहाँ नहीं भटकता, दिन भर मौज मस्ती करता रहा, यही ना? नहीं माँ। बेटा, पिता के डांट खाने की उम्र नहीं है तुम्हारी, काम करने की उम्र है। काम के लिए कितने इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, तुम तो जानती हो ना माँ। बेटा, तुम्हारे पास बीए की डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ, छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही सकती है ना। कुछ तो काम कर, कहीं से तो शुरुआत कर। खत्म हो गया क्या खाना? खाना खाया? स्वीट डिश खाएगा? खाएगा? तुम लोगों की खुसुर पुसुर क्या मुझे सुनाई नहीं देती हैं? तूने खाना खा लिया, बता चाचा के लिए जो 5,000 रुपये दिए थे उनका क्या किया? चुप क्यों है? सब बढ़ा दिए? अगर वो भी कम पड़ गए हों तो इस घर से कोई चीज चोरी करके ले जा और बेच डाल, बस यही एक काम बाकी रह गया, वो भी कर दे और इस घर से निकल जा। चुप रहो और करो लाड, और करो। क्या मैंने इसे पढ़ाया नहीं? क्या मैंने इसे रहने के लिए छत नहीं दी, इसे खाना नहीं दिया, इसे प्यार नहीं किया, इसके लिए सपने नहीं देखे, किसी चीज की कोई कमी नहीं की, फिर ये प्रेम की तरह क्यों नहीं मना? अरे तेरे चाचा की रिटायरमेंट के बाद प्रेम ने अपने बलबूते पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी की और तू तू अपने पुरखों की जमीन के भरोसे आवारा गर्दी करता फिर रहा है। इकलौती संतान होने के बावजूद प्रेम ने 100-100 औलादों की खुशियां दी है अपने बाप को और तूने मुझे सिर्फ दुख दिए हैं, दुख। तू प्रेम की तरह बन ही नहीं सकता। इस खानदान का अगर कोई सूरज है तो वो है सिर्फ प्रेम, प्रेम। 8 करोड़। 1 करोड़ फ्रॉम मिस्टर प्रेम ठाकुर। और कोई साहब है जो इसके आगे बोल सके? नौ करोड़ पच्चीस लाख दस करोड़ एक। है कोई इसके आगे बोलने वाला? 10 करोड़ 2। 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 1। 12 करोड़ 2 12 करोड़ 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रेम ठाकुर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, गुड डील। मुबारक हो आपको मिस्टर प्रेम। बेवकूफ सौदागर, 8 करोड़ की चीज 12 करोड़ में खरीद ली। What a stupid man. Oh really? और क्या, हमने सीधा सीधा तुम्हारा 4 करोड़ का नुकसान करा दिया। मिस्टर प्रेम ठाकुर, हमारे सामने सोच समझ कर आया करो। तुम दोनों भाई आइसक्रीम खाना, क्योंकि बिजनेस के लिए दिमाग की जरूरत होती है। तुम दोनों तो बच्चे हो। मैंने अपने एजेंट के जरिए मार्केट में यह बात फैला दी कि यह माल 8 करोड़ का है, जबकि यह माल 20 करोड़ का है। 20 करोड़? 20 करोड़। अब तुम ही हिसाब लगा लो कि मुझे फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। भैया मैं इसे छोड़ूंगा। नहीं नहीं रोशन, अभी नहीं। Ah!
ऑफिसर, इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिजिकल असॉल्ट कॉजिंग इंजरीज, सेक्शन 325 आईपीसी। इन्होंने इस लड़के की जान भी ली, दफा 302, नॉन बेलेबल। सूरज, सूरज पिताजी, आप हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, ये ले चाय पी ले, नहा धोकर तैयार हो जा, मंदिर चलना है। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं हर रोज मेरा जन्मदिन हो और हर रोज इसी तरह मुझे प्यार के साथ जगाए। ले। थैंक यू पिताजी। लाइए, किसके नाम की आरती उतारनी है? किया जी, रंजीव, सूरज, सूरज ठाकुर के नाम से आरती उतारनी है जी। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। लीजिए सूरज। लाइए। जन्मदिन मुबारक हो। चुप चुप जी। तू बोले ऐसा करो, तुम लोग घर चले जाओ, मैं आता हूं। कहां जा रहे पिताजी? धर्म के घर, उसके 5,000 रुपए लौटाने। अरे भाई साहब, आप जीते रहो। संदेशा भेजते तो मैं आ जाता भाई साहब। प्रसाद लो। आज सूरज का जन्मदिन है ना, तुम्हें याद है? मेरे लिए क्या फर्क है सूरज और प्रेम्या। बहुत भुलक्कड़ हो गया है आजकल हमारा सूरज, तुम्हारे हिस्से के 5,000 देना भूल ही गया। भुलक्कड़ का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन बिजनेस माइंडेड जरूर हो गया है। मुबारक हो चिया भाई, मुबारक हो, आप एमए पास हो गए। एमए नहीं, बीए, वो भी पुरानी बात हो गई। अरे यार, सर्टिफिकेट तो देखो, फिर खुद मान जाओगे कि एमए पास हो। यानी तुम्हारी नौकरी पक्की। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास, इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन। अरे तुम्हारे जैसे लड़के को 2 साल नौकरी कैसे नहीं मिली? बैड लक सर। अरे बैड लक तुम्हारा नहीं, उन लोगों का है जिन्होंने तुम जैसे हीरे को पहचाना नहीं। That's very kind of you, sir. हर आदमी आपकी तरह जौहरी नहीं है सर। तुमने एमए भी किया है? वो तो दोस्तों ने करवा दिया है? मेरा मतलब है, मार्क्स देखिए ना सर। यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एमए फर्स्ट क्लास इन 1997। यस सर। वेरी गुड। बीए फर्स्ट क्लास इन 1999। वेरी गुड। अब एक मशवरा मैं तुमको फ्री में देता हूँ, अगले साल हाई स्कूल भी कर लेना। जी? मुझको पागल समझता है तू? पहले एमए करता है, बाद में बीए करता है, नकली सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास आता है तू? देखिए मेरी बात तो सुनिए। पुलिस को सुनाना। यू स्कैंडल, यू चीट, यू फ्रॉड। देखिए हाथ मत लगाइए, नहीं तो क्या कर लेगा तू? अबे जा रहे। पुलिस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप मेरी कंप्लेन लिखिए, लिखिए फिजिकली असॉल्ट, फॉर्जरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ब्लैकमेलिंग, ब्राइबरी, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारे सेक्शन इसके ऊपर लगाइएगा। इसने जितने नकली सर्टिफिकेट्स बनाए हैं और उन डिग्रीज को हासिल करने के लिए जितने साल लगते हैं, उतने साल आप इसको अंदर रखिएगा। एक्सक्यूज मी, ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक प्रेम ठाकुर साहब आप? ये सूरज ठाकुर के जमानत के पेपर्स। प्रेम साहब, ये मेरा भाई है। भाई भाई, तो जमानत की क्या जरूरत है? मैं कंप्लेन वापस लेता हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। प्रेम, अब तू ही इसे सही रास्ता दिखा, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गया हूँ।
देख भाई, मैं तुझे छुड़ाने आया था, समझाने नहीं। कौन सा एहसान किया छुड़ा के? हाँ, कौन सा एहसान किया? कोई खून थोड़ी किया जो उम्र कैद हो जाते। दो दिन बंद रहकर बाहर आ जाता और जो दाल रोटी घर पे मिलती है यहाँ भी खा लेता। क्या फर्क पड़ता अगर तुम नहीं छुड़ा के तो? हाँ, क्या फर्क पड़ता? मुझे पता है तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी माँ की चिंता तो दूर हो गई। बस तेरा यही प्रॉब्लम है, मसीहा बनने का बहुत शौक है, ताकि मेरे घर में तेरी और तारीफ हो और चर्चे हो। तू फिर सीरियस हो गया। देख भाई, तू मेरे साथ मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करता? और एहसान, मैं दौलत कमाना चाहता हूँ और कमाऊंगा, मगर तुम्हारे साए में रहकर नहीं, अपने आप कमाऊंगा। और इतनी दौलत कमाऊंगा कि मेरे चाचा और तुम्हारे ताऊ दोनों देखते रह जाएंगे।